लेक्चर में हम लोग क्वांटिटेटिव क्वेश्चन पे बेस्ड जितने सारे टाइप्स के प्रॉब्लम बन रहे थे उन सारे टाइप्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। यानी पिछले लेक्चर में हम लोग क्वांटिटेटिव क्वेश्चन क्या होता है, उसका क्या समीकरण होता है और उस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रविक ऊर्जाएं, द्रविक ऊर्जाएं या द्रव की ऊर्जाएं या द्रव की ऊर्जाएं, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। अब देखिए क्या हो रहा है ऊर्जा, क्या होता है ऊर्जा, तो हम कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा बोलते हैं। और ये जो द्रव ऊर्जाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, ये जो द्रव ऊर्जाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो पहला होता है स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है। जो द्रविक ऊर्जाएं या जो द्रव की ऊर्जाएं होती हैं उसे किसे बोलते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी। तो मैंने बोला एनर्जी क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और ये जो ऊर्जा है इसलिए हम द्रव की ऊर्जा को निम्न तीन प्रकार से बांट सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, द्रव की ऊर्जा को निम्न तीन प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे, पहला है स्थैतिक एनर्जी यानी स्टैटिक एनर्जी, दूसरा है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और तीसरा है दाब ऊर्जा, ठीक है। तीसरा है दाब ऊर्जा, तीसरा है दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी। तो ये तीन तरह के एनर्जी होते हैं, ठीक है। इसके आधार पर हाइड्रोलिक एनर्जी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक एक करके हम इसके फॉर्मूला को ट्राई करेंगे और क्या होता है स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर प्रेशर एनर्जी, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। स्थैतिक एनर्जी तो किसी वस्तु में
किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है या जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थैतिक एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्थैतिक ऊर्जा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थैतिक ऊर्जा। अब स्थैतिक जो ऊर्जा होती है वो एक माने गए तल पर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, यह ऊर्जा किसी क्षैतिज, आप लिख सकते हैं यह ऊर्जा किसी क्षैतिज, यह ऊर्जा किसी क्षैतिज माने हुए तल पर निर्भर करती है। यह ऊर्जा किसी क्षैतिज, यह ऊर्जा किसी क्षैतिज माने हुए तल पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। स्टैटिक एनर्जी क्या होता है? तो मैंने बोला किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, स्थैतिक ऊर्जा बोलते हैं। यह ऊर्जा किसी क्षैतिज माने हुए तल पर निर्भर करती है, और जो भी हम क्षैतिज तल मानेंगे उसमें जो स्टैटिक एनर्जी का मान होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई रेखा माना क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा है। अगर इस रेखा पे अगर हम बात करें स्टैटिक एनर्जी का मान कितना होगा, तो इस रेखा पर स्टैटिक एनर्जी का मान क्या होगा? जीरो होगा। इस रेखा पर स्टैटिक एनर्जी का मान क्या होगा? जीरो होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं द्रव की स्थैतिक ऊर्जा, द्रव की स्थैतिक ऊर्जा माने हुए तल पर क्या होती है? शून्य होती है। माने हुए तल पर क्या होती है? शून्य होती है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि द्रव की जो स्थैतिक ऊर्जा है वो माने हुए तल पर कितनी है? शून्य है। और मैंने अभी आपको ऊपर यहां बताया है कि यह ऊर्जा किसी क्षैतिज माने हुए तल पर निर्भर करती है। अगर उस तल पर अगर क्षैतिज ऊर्जा शून्य मान लेते हैं, तो उस तल के किसी द्रव को उस तल के ऊपर ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वह कार्य वो क्या होगा? स्थैतिक एनर्जी के रूप में संचित होगा। वह कार्य क्या होगा? स्थैतिक एनर्जी के रूप में संचित होगा। मान लीजिए अभी मैंने बताया कि यह आपका क्या है क्षैतिज ऊर्जा का तल है, यह आपका क्षैतिज ऊर्जा का मान लीजिए तल है, ठीक है। तो इस तल पर स्टैटिक एनर्जी का जो मान होगा, स्थैतिक ऊर्जा का जो मान होगा वो कितना? शून्य होगा। अब इस तल के ऊपर किसी द्रव को ले जाने में, इस तल के ऊपर किसी द्रव को ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वह कार्य स्थैतिक ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित रहेगा या संचित होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे इस आधार तल से द्रव को इस आधार तल से द्रव को किसी ऊंचाई पर ले जाने में, किसी ऊंचाई पर ले इस ऊंचाई पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा किया गया कार्य ही किया गया कार्य
स्थैतिक ऊर्जा में एकत्रित होकर संचित होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो क्या होता है, किसी क्षेत्र के माने में तल पर निर्भर करती है और उस तल पर कितना मान है, उस तल पर स्थैतिक ऊर्जा का मान कितना है, शून्य मान है। तो इस आधार पर अगर तल से द्रव, अब देखिए, अब आज ये माना कि डब्ल्यू न्यूटन का द्रव किसी क्षैतिज तल से जेड मीटर की ऊंचाई पर है, अतः द्रव की स्थैतिक ऊर्जा और ये बराबर क्या हो जाएगा, Z into W। माना W बराबर 1 न्यूटन, माना W बराबर कितना है 1 न्यूटन, तो स्थैतिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा Z गुणे 1। तो स्थैतिक ऊर्जा Z गुणे 1 ये बराबर हो जाएगा नीचे Z मीटर। ठीक है, यानी स्थैतिक ऊर्जा कितना हो जाएगा Z मीटर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं स्टैटिक एनर्जी को। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, संचित होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थैतिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, जो ऊर्जा निहित होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी। अब मैंने आपको बताया कि स्टैटिक जो एनर्जी होता है किसी माने का तल पर निर्भर करती है, जो स्टैटिक एनर्जी होता है वो किसी माने का तल पर निर्भर करती है, और जिस तल को हम मानते हैं, उस तल पर स्टैटिक एनर्जी का मान कितना होता है, शून्य होता है। अगर उस तल से ऊपर किसी भी द्रव को ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो वही क्या कहलाएगा, वही स्थैतिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब मैंने आप पर क्या माना, माना कि डब्ल्यू न्यूटन का कोई द्रव है जो किसी क्षैतिज तल से जेड मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, माना कि डब्ल्यू न्यूटन का कोई द्रव है जो किसी क्षैतिज तल से जेड मीटर की ऊंचाई पर है, अतः डब्ल्यू न्यूटन भार के लिए द्रव की जो स्थैतिक एनर्जी होगी, कितना होगी, जेड इंटू डब्ल्यू होगी। अब हम यदि ये मान लें कि माना डब्ल्यू बराबर 1 न्यूटन, माना
W बराबर क्या मान है, एक एक न्यूटन मान है, तो स्थैतिक राज्य क्या आ जाएगा, जेड न्यूटन, और जेड न्यूटन का मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आएगा, इसलिए स्थैतिक राज्य कितना होगा, जेड न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्टैटिक एनर्जी। अब आप स्टैटिक एनर्जी के बारे में क्या करेंगे जानते हैं। अब हम चलते हैं किस पे, डायनेमिक एनर्जी। ठीक है, तो स्थैतिक एनर्जी के बारे में क्या करते हैं आप जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो किसी तरह में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा हो रही थी उसे
क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा का ज्ञान था। किसी तरल के उस किसी तरल में उसकी गति के कारण या किसी तरल की उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए, अब इसे मिटा दो।
पर मैं कुजी को गतिज शीर्ष भी कहते हैं। 20 पर मैं कुजी को क्या कहते हैं? गतिज शीर्ष भी कहते हैं। और लिखना चाहते लिख सकते हैं, जो कि द्रव के जो कि 20 पर मैं लिख सकते हैं, जो कि द्रव के इकाई भार के लिख सकते हैं, जो कि द्रव के इकाई भार के गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के क्या होगी? बराबर। ठीक है, यानी इस वी स्क्वायर बाय टू जी को हम क्या बोल सकते हैं? गतिज शीर्ष भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? गतिज दो बार हो गया। ठीक है, यानी वी स्क्वायर बाय टू जी को हम क्या बोल सकते हैं? गतिज शीर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि द्रव के इकाई भार के गतिज ऊर्जा के क्या होगी? बराबर होगी। तो ये तो आपका हो गया क्या? गतिज ऊर्जा। ये आपका क्या हो गया? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके ऊपर आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्या? काइनेमेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। अब अगला हमारा एंड क्या है? दाब ऊर्जा। क्या है? प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इसे कहते कह सकते हैं कि जब कोई दाब, अगर इसका डिफिनेशन बताना है आपको तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई दाब किसी तरल पर लगाया जाता है, जब कोई दाब या जब कोई प्रेशर किसी द्रव पर किसी फ्लूइड पर लगाया जाता है तो उस द्रव दाब के कारण द्रव में जो ऊर्जा संचित होती है या जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। यानी मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला है कि जब कोई दाब किसी द्रव पर लगाया जाता है, ठीक है, तो उस दाब के कारण द्रव में जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? दाब ऊर्जा। और इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब कोई दाब किसी द्रव पर द्रव द्वारा
तो द्रव द्वारा तो दाब के कारण द्रव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहता है कि दाब ऊर्जा कहता है। क्या कहना है कि दाब ऊर्जा कहना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रेशर एनर्जी, ये तो हो गया कि जब कोई दाब किसी द्रव पर लगाया जाता है तो दाब के कारण द्रव द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा होती है वो आपकी क्या हो जाती है, दाब ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन, अब दाब